ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, पार्टी वर्ग को बैंक याद जाए, पार्टी वर्ग को आगे आने जाए। कवर करते हैं तमाम पार्टी के पार्टियों में और साहब के इतराज को आगे आने दें। हम इस वक्त कई से मुखातर ले रहे हैं और उनको असेंबली के साथ हमारी बात सुनने का मौका पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहां मुनक़द हुआ। जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बलावल जरदारी साहब और डॉक्टर जमालुद्दीन साहब वीडियो लिंक के जरिए से इस इजलास में आज शरीक हुए। इजलास का जो एजेंडा था वो 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के हवाले से था और ये कि लॉन्ग मार्च जब यहां पर हो तो असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ्फुज़ात थी। पीपुल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतजार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुल्तवी तसव्वुर किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं जो ये चाह रही थी कि हुकूमत से छुटकारा पाना है। आखिर क्या वजह है कि अगर पीपल्स पार्टी सीटों पे नहीं आती है तो फिर क्या समझा जाए कि पीडीएम की राहें जुदा हो गई है? जब तक पीपल्स पार्टी, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि वापस आकर हमें जवाब नहीं देती, तब तक मैं इस पे कोई कयास राय करना नहीं चाहती। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने वो बातें की हैं और मियां साहब ने कहा है कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कहा हमने, उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ लाएं, बाकी सब लोग भी आए, मिलकर जिद्दोजहद करते हैं। तो जिससे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी जिंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा, जो ना मुस्लिम लीग नून के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, ना वो चाहते हैं, ना मुस्लिम लीग नून की वोट बैंक चाहती है कि मियां साहब की जिंदगी को कोई खतरा हो, ना ही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की इन्वेस्टमेंट होती है लीडर्स के अंदर जो कि दहाइयों पर मबनी होती है, और हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें जिंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियां हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर जितनी सख्त जेल,
और सबसे लंबी जेल, आप जरा काइंडली चुप करके बात सुनेंगे प्लीज, तो सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मियां साहब अपनी बीमार और बिस्तरे मर्द पर जो अहलिया थी उनको छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था और ये एक झूठे मुकदमे में उनको झूठी सजा हुई थी, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आए, जेल काटी, बहादुरी से काटी, जेल में उनको हार्ट अटैक्स हुए, बहादुरी से उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन इस हुकूमत के हाथ पांव तब फूले जब उनकी जिंदगी खतरे में आ गई और उनको ये लगा कि खुदा न खास्ता इनकी जिंदगी को कुछ हो ना जाए, तो आनंद फानी इस हुकूमत ने उनको बाहर भेजा। लेकिन अब चूंकि वो बाहर जा चुके, अभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बनाने का, और मैं नहीं समझती कि जो जिंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। ये पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी है, और तब तो आप तब तो बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीडीएम के इजलास में पीडीएम के तमाम कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम कायदीन का मैंने शुक्रिया अदा किया कि पीडीएम की क़यादत के ने जो मुकाबला किया इलेक्शंस में, हाँ वो ज़िमनी इलेक्शंस थे या वो सेनेट के इलेक्शंस थे, हाँ वो नेशनल असेंबली के सेनेट के इलेक्शंस थे या वो सेनेट का चेयरमैनशिप का इलेक्शन था, वो पीडीएम की फुल सपोर्ट के साथ हमने वो उसको जीता और हमने उनका शुक्रिया अदा किया। और जो नया सिनेरियो अभी 26 को जो रैली होनी थी, दैट वाज ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस, तो उसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और मैंने ये गुजारिश की पीडीएम की तमाम क़यादत को कि हमें आप टाइम दें, मोहलत दें, क्योंकि सीईसी का जो पहला डिसीजन था वो इस्तीफों के हक में नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन देना चाहिए तो गिव अस सम टाइम, वी गो बैक टू द सीईसी और उनसे फिर इजाज़त लेकर फिर हम आपके पास आएंगे। इसलिए उन्होंने तमाम मुत्तफिका तौर पर हमें टाइम दिया है और इंशाल्लाह उसके लिए हम फिर सीईसी की तरफ जब जाएंगे तो उनका पहला जो मौकफ था वो था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी तरफ जाना चाहिए। तो अब जो नया सिनेरियो है उसके तहत हमने पीडीएम की तमाम क़यादत ने मुत्तफिका तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कहा है आप दोबारा जाके सी से जा सकते। कितना अर्सा लगेगा रमजान के बाद चला गया, कब तक बताएंगे आप? सून मीटिंग के बाद। मैडम अगर नहीं बताती पीपल्स पार्टी तो क्या जेयूआई और बाकी नौ जमातें जो एक समय में के वो सीधे या लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी? जवाब नहीं देते आपने जो सवाल किया, एक सेकंड भाई सबर, मैं खड़ी नहीं जा रही आपका सवाल लेके जाऊंगी। आपने जो सवाल किया वो फिर मैं यही कहूंगी कि अगर पीपल्स पार्टी जवाब देती है तो उस पर हमारा क्या मौकफ होगा। पीपल्स पार्टी जब तक जवाब नहीं लेती तब तक मैं इसके ऊपर अजम्पशन नहीं कर सकती कि मुस्लिम लीग नून ये करेगी और जेयूआईएफ ये करेगी या वो क्या होगा। पहले ये जवाब देंगे, उसके बाद हम भी अपनी पार्टी के साथ मशावरत करेंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। उन्होंने आपको बताया कि वो जल्द इसके ऊपर करेंगे। पीडीएम आपके सामने खड़ी, हुकूमत खत्म होगी इंशाल्लाह।
अमलन तो आपको नजर आ रहा है, अमलन भी नजर आ रही है, एक दूसरे के साथ भी खड़े हैं, तावन भी करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, मैंने आपको इसका मुफस्सल जवाब दे दिया है। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी है और ये जो उनके खून और जिंदगी के डरते हैं, मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ की जिंदगी की जरूरत है, उनके तजर्बे की जरूरत है, उनकी सलाहियतों की जरूरत है, उनकी बसीरत की जरूरत है। हमें जिंदा लीडर्स चाहिए, जो हम लीडर्स पहले गवा चुके हैं। हम मेरा ख्याल है कि वो मुल्क और कौम का बहुत बड़ा तारीख का नुकसान हुआ, उसको हम दोहराना नहीं चाहते। और दूसरी बात, मियां साहब खुद इंग्लैंड में है लेकिन उनकी पार्टी फाल तरीन पार्टी है, पूरी जमात उनकी लीडरशिप में यूनाइटेड है, माशाल्लाह खड़ी है, लड़ रही है। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। गिलानी साहब, क्या ये आगे जो सेनेट में मामलात है, अपोजिशन लीडर का चुनाव है, आप लोगों ने अदालत जाना था, मुस्तरद ऑर्डरों का क्या होगा? अब ये खत्म तो सब करें, हुकूमत को खुशी मना अपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में? एक पहली बात ये है कि जो सेनेट में इलेक्शन हुए हैं और उसमें बायस्ड रिटर्निंग ऑफिसर थे और उन्होंने बकायदा ऐलान किया है कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट में मुस्तरद कर रहा हूँ, और जब ज़्यादा शोर मचा तो उन्होंने कहा गो टू द कोर्ट्स, और हम इंशाल्लाह कोर्ट्स में जाएंगे, हमें रिलीफ मिलेगा और इंशाल्लाह चेयरमैन हम ही होंगे और तमाम पीडीएम की वो पता होगी और बाकी जो मामला आते हैं वो मिलके होंगे। थैंक यू। सर कितना टाइम लगेगा, कब तक होगा? निकाल 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 निकाल।